पश्चिम बंगाल में हुई घटनाओं के बाद देश भर में भूचाल आ गया। अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए खरगोन जिले के जनजाति विकास मंच ने संबंधित राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान सामाजिक संगठन ने बताया कि चुनाव से लगाकर अब तक राजनीतिक दल लोगों पर अत्याचार कर रहा है, जिसमें हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। ऐसे में वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सड़क पर उतरे हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में जो चुनाव के परिणाम आने के बाद से जो घटनाएं घट रही है, उसके विरोध में सामाजिक संगठनों के द्वारा और जिले के प्रबुद्ध नागरिक, विभिन्न समाजों के प्रमुखों द्वारा यह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय भारत के राष्ट्रपति जी को ज्ञापन हमने दिया है, ताकि ऐसे लोगों का चयन कर जो अभी तक 3000 गांवों को जिन्होंने ध्वस्त कर दिया है, तो 70,000 कार्यकर्ताओं उससे प्रभावित हुए हैं। ऐसे लोगों का उद्दंड करने वालों का चयन कर उन्हें कार्रवाई करें तथा उन्हें कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें, इसलिए हमने यह ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया है। क्या नाम है आपका? कालू सिंह मंडलोई, वनवासी कल्याण परिषद, जिला सचिव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।